वेलकम बैक एवरीवन. यू गाइस आर वाचिंग ऑन फॉर लव और हम लोग यही बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि फादी कितनी झूठी है. बहुत ज़्यादा फ़नी टॉपिक था लेकिन अब फ़नी नहीं रहा क्योंकि अहमद को लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ. तुम्हें क्यों लगता है मैं झूठ बोलती हूँ? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुमसे आज तक झूठ बोला है मैंने? कभी भी नहीं. खैर, हमारा टॉपिक यही है कि रिलेशनशिप में लड़की ज़्यादा झूठ बोलती है कि लड़का ज़्यादा झूठ बोलता है. एंड यू गाइस कैन कॉल अस इन 1256-3705. इन फैक्ट वी हैव अ कॉल राइट नाउ व्हिच वी आर गोइंग टू टेक. हेलो हेलो. अपने टीवी का वॉल्यूम आप सबसे पहले का वॉल्यूम बंद कर दें. हाँ, वरना हमसे बात नहीं हो सकेगी. हाँ. जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही है? मैं उजाला बात कर रही हूँ, कराची से. उजाला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. क्या कहेंगी टॉपिक के बारे में? टॉपिक के बारे में यही कहूँगी कि लड़के सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं. गुड गर्ल, मुझे बताओ क्यों लड़के झूठ बोलते हैं और क्या झूठ बोलते हैं? बिकॉज़ दे आर फ्लर्टी नंबर वन. फ्लर्टी नंबर वन, ये तो सच है, ये तो बिल्कुल नहीं. फ्लर्ट करने से और झूठ का ताल्लुक नहीं बनना. मुझे फ्लर्ट का इतना बड़ा ताल्लुक है? झूठ निकलता है ना, अगर आप फ्लर्ट नहीं करें तो यू विल बी ट्रू टू योर पार्टनर. नहीं लेकिन मैं तो बहुत फ्लर्ट करता हूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता. क्या मैं झूठ बोलता हूँ? फादी लोग सिर्फ झूठ बोलते हो. अच्छा, खैर एनीवे, बेचारी जो भी किसने, मैंने उजाला कैसी बात करी हो तुम यार, ऐसा मैं नहीं हूँ. सही है, नहीं मैं फ्लर्ट करता, मैं झूठ नहीं बोलता. लेकिन व्हाटएवर देयर इज आई टेल देम द ट्रुथ. टेलिंग यू द ट्रुथ. हां, तेरे मारे झूठ बताऊं मैं सारे. अच्छा, जरा ये बताओ कि व्हाई डू यू से, चलो फ्लर्ट इज वन ऑफ द रीजंस, और बताओ और क्या तुम्हें क्यों लगता है लड़के ज्यादा झूठ बोलते हैं? अगर जो फ्लर्ट करता है उसी को तो सबसे ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है ना. ये भी है. नहीं, लेकिन सही है. अच्छा, डेट पे क्या होता है? नहीं चलो, अगर फर्ज करो किसी को डेट नहीं कर रहा, सिंगल है और फ्लर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है. हमारी सुई फंस गई है, उजाला की सुई फंस गई. बस फ्लर्ट करें तो झूठ बोले. हाँ, फ्लर्ट और झूठ एक ही चीज है. I am loving this. Ujala, good job by the way. Ujala नहीं, गजाला. Oh, गजाला, sorry. अच्छा, और कुछ कहना चाहोगी गजाला शो के बारे में? जी? और कुछ कहना चाहोगी शो के बारे में? That you've ever called on. चलो ठीक है, thank you for calling. Thank you. Keep watching the show. Wednesdays को 10 बजे every Wednesday आता है. मैं और ये मेरे साथ आइटम जो बैठा है, हम दोनों शो करते हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग, शुक्रिया. क्या हुआ? सॉरी, आइटम. देखा, फिर झूठ. बॉयज तो झूठ ही झूठ बोलते हैं. तुम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किए जा रहे हो. बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है. हो गई बेचारी. बिल्कुल भी नहीं, मैं खुश जा रही हूं. मुझे गजाला की बात बहुत अच्छी लगी. जाओ शादी कर लो गजाला से. मैं लड़की हूं, कुछ नहीं होता. तो मतलब तुम अब क्या प्रमोट कर रहे हो? तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्रमोट कर भाई, निकाल देंगे मुझे, ऐसी बात नहीं. करो, कह रही हूं हम डिस्कस यही कर रहे हैं. तो सो फार दो मर्दों ने फोन किया, असगर और रमान ने, और उन लोगों ने ये बोला है कि लड़के लड़कियां जो है वो ज्यादा झूठी होती है. गजाला कॉल्ड फ्रॉम कराची, शी कॉल्ड एंड शी सेड के लड़कियां ज्यादा. तो अभी 2:1 रेशियो चल रहा है, कंपटीशन टफ है. मैं आई एम नॉट ऑन एनीवन साइड, आई एम जस्ट लाइक टेकिंग इन द वर्क टुडे. लड़कियों की साइड लेके कितनी खुश हुई. अच्छा, मुझे ऑनेस्टली बताओ, चलो डिफेंड करो अपनी लड़कियों को. झूठ क्यों नहीं बोलती? तो मैं लगता है लड़कियां झूठी बोलती छोटी छोटी. नहीं नहीं, आई थिंक छोटी छोटी बातों पे. बेस्ट फ्रेंड से कितना झूठ बोलती हो? किससे? सारी बेस्ट फ्रेंड से, नाम दो उनके. दो ना. उनसे झूठ बोलती रहती हो? क्या झूठ बोलती हो? बोलो बोलो बोलो. तुम मुझसे जो 24 घंटे झूठ बोलते हो अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड के लिए, उसके बारे में भी तो बताओ ना. ओ, बताऊं कौन है वो जिसके बारे में तुम बोलते हो? हाँ, मेरा. हम कॉल ले रहे हैं, तुम्हारी फालतू बातें नहीं सुनेंगे. हेलो, वालेकुम सलाम जी. कौन बात कर रही है? जी, मैं फिजा बात कर रही हूँ लाहौर से. फिजा, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है. भाई नहीं बोलो यार, दिल टूटता है. अच्छा, ये बताओ क्या नहीं है, नहीं यहाँ मेरे सेट पे और बहुत लोग हैं तुम्हारे भाई. ये बताओ किस टॉपिक के बारे में क्या बोलोगी? जी, मैं आपसे एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे साबित हो जाएगा कि लड़कियाँ जो है सच्ची होती है. लड़के एक नंबर, बस उससे पहले कभी नंबर होता है ना, उससे भी आगे झूठे होते हैं. वेरी गुड, चलो बताओ. कहते हैं कि आदमी इससे पैदा होता है, आदमी झूठ बोलने के लिए पैदा होता है, आपने फातिमा के दिल को टच कर लिया. जी अच्छा, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस? सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ फिजा, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा
नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। अच्छा चलो, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम क्या, अच्छा क्या देखा है तुमने आंखों के सामने, क्या देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक यानी मैं खुल के नहीं बताऊंगी, जैसे इस तरह से। हाँ नॉर्मली बता दो, जो बता दो। ये ना लड़कियाँ ऐसे दाहिर करता है कि लड़की के बगैर जैसे जिंदगी रहेंगे मर जाएंगे। हाँ लेकिन जब रिश्ते की बात करो तो मर जाते हैं, तो खुद ही लेके आते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं ना। चलो ठीक है, ऐसे भागते हैं गधे के सर से सींग, बल्कि सींग भी अपना निशान की छोड़ जाते हमें। हाँ। कोई निशान ही छोड़ते। सही है। और कुछ कहना चाहोगी फिर शो के बारे में? और आपका शो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, झूठ नहीं बोलूंगी, आज फर्स्ट टाइम देखा है और आपने कॉल किया है। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। झूठ नहीं बोलती है, सच बोला है फिजा ने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कॉल और शो देखती रहना, कॉल करती रहना, थैंक यू। अच्छा तो फिजा कह रही थी कि फाती बहुत झूठी है। हाँ बस फाती बहुत झूठी है, फाती ने पता नहीं दुनिया के क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, ऐसे झूठ बोलने के पहाड़ टूट गए हैं तुम्हारे झूठ सुन सुन के। अच्छा नहीं तो बतवा, एनीवे ये तो बड़ी झांसी आ रही है तुम्हें। अच्छा फाती बताओ कि ऑनेस्टली तुम डिफेंड नहीं कर पा रही हो, मैं तो डिफेंड कर सकता हूँ। देखो तुम्हें बात बताऊँ, अच्छा मैं आप लोगों को बड़ी, नो नो व्हाट फिजा जस्ट सेड मेड सो मच सेंस कि और क्या क्या बोल रही थी कि मर्द पैदा हुए झूठ बोलने के लिए और औरतें पैदा हुई हैं। तो एक कहावत है ना, तो भाई कहावतें कहाँ से आती हैं, क्लीशेज किधर से आते हैं? बोरिंग लोगों से आती हैं, जो बोर होते हैं वो एक कहावत आती हैं। नहीं क्लीशेज वहीं से आते हैं कि वो जैसे एक और कहावत है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ये वही वाली बात हुई है। दे ऑलवेज कम फ्रॉम समथिंग, हमेशा कुछ उसमें थोड़ा सा सच होता है। अच्छा खैर जी होता तो, है बस सही है, बस मैं कटती तुमसे आज बस। अच्छा खैर ऐसे तुम्हें ऐसा ना, मेरी बात सुनो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतानी है। अभी अवाइल बैक मैं रीड कर रहा था, आई वाज रीडिंग ऑनलाइन कि शिकागो में एक रिसर्च हुई थी जिसका रिजल्ट ये था, मतलब उसमें रिसर्च हुई थी कि दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा झूठ बोलती हैं। एंड इट टर्न्स अप के जो लड़कियाँ हैं ना वो छोटे छोटे झूठ बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ झूठ बोलती हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुमने कंफ्यूज कर दिया, एक तो ये चिख रहा था। खैर अभी बात ये है कि भाई हम डिस्कस, मैं भी आपको रिसर्च का बताता हूँ ब्रेक के बाद, लेकिन टॉपिक हमारा यही है कि रिलेशनशिप में लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा झूठ बोलती हैं। 256-3705 टेक अ शॉर्ट ब्रेक, जब वापस आएंगे तो मैं आपको अपनी रिसर्च के बारे में बताता हूँ।